फिल्मफेयर अवार्ड्स की ये कहानी सबसे अनोखी है। सन 1982 में किशोर कुमार ने मात खाई थी। अवार्ड इन्हें नहीं मिला था, जबकि इन्हें नॉमिनेशंस तो अच्छे खासे मिले थे। ये हार गए थे अपने बेटे अमित कुमार से। सन 1982 में अमित कुमार को फिल्म लव स्टोरी के इस गाने के लिए अवार्ड मिला बेस्ट सिंगर का। और उसके बाद कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि सब हैरान रह गए। सन 1983 में किशोर कुमार पग घुंघरू बांध के लिए अवार्ड ले गए। 1984 में किशोर कुमार को अवार्ड मिला अगर तुम ना होते के लिए। 1985 में मंजिलें अपनी जगह है इस गाने के लिए अवार्ड ले गए। और 1986 में किशोर कुमार सागर किनारे के लिए भी अवार्ड ले गए। सागर किनारे 1, 2, 3, 4 साल लगातार ये अवार्ड ले गए। और 87 में तो किशोर कुमार का देहांत ही हो गया था। अगर और जीते रहते तो शायद किसी और सिंगर के पास मौका ही नहीं होता बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीतने का। फिल्मफेयर अवार्ड्स की और भी हैरत अंगेज कहानियाँ आने वाले एपिसोड्स में। सेवा करे जो पति की।